नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल में SNG प्रोफेशनल एकेडमी लातूर पैटर्न ऑफ कॉमर्स क्लासेस। आज के टॉपिक में हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसके प्रॉब्लम्स देखने वाले। तो यह जो टॉपिक है, अगर आपने पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को देख लिया तो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। बीच में अगर स्किप करते करते या वीडियो आगे जाके देखते आप, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला इसमें से। ओके, तो आज का जो टॉपिक है ये प्रेजेंट करते हैं बाय प्रोफेसर सोमनाथ गलांडे सर, SNG प्रोफेशनल एकेडमी। ओके, थर्ड वीडियो लेक्चर है। अगर आपको कुछ थियोरेटिकल पार्ट चाहिए तो फर्स्ट एंड सेकंड में अपना थियोरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन किया है, आपको उस लेक्चर में सब डिटेल्स मिल जाएंगे जो भी थियोरी के रिलेटेड है। ओके, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपको अगर हमारे अकाउंट्स के रिलेटेड नए नए टॉपिक्स, जो कुछ है जितने भी अकाउंट्स के टॉपिक है सबके ऊपर वीडियो लेक्चर्स आते रहते हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, OCM और SP, इसके ऊपर भी अपने वीडियो लेक्चर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। आपको इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए या एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए अगर आपको समझ लेना है कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से आता है, जैसे कि हाल ही में अपने हमने एक वीडियो लेक्चर बना के डाला था जिसके ऊपर के परसेंटेज क्या है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए अपने को किस तरीके से एग्जाम है, पैटर्न क्या है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है वो पैटर्न किस तरीके से चेंज हो गए हैं, उसके बाद में कौन से टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने स्किप किए, ये पूरी डिटेल्स उस वीडियो लेक्चर में हमने दे दी है। तो इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए जो कि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगे। चलते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर, अपना प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम नंबर 7, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82। जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है, PDF फाइल अगर आपके पास होगी तो उसमें टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 82 दिया है। ओके, तो चलते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो हमें नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है या तो उसके साथ साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने हमें दे दी है, तो उसके हिसाब से हमें क्या प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और उसी डेट की हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए क्या क्या चाहिए बेसमेंट में। तो हमें चाहिए सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और उसके साथ में एडजस्टमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में अगर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो कि हमने पहले थ्योरी लेक्चर में भी देख ली थी, फिर भी यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे। जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। उसके साथ साथ में दूसरी जो इंफॉर्मेशन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ सिमिलर टू कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक। और तीसरी जो इंफॉर्मेशन है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। तो यह होती बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इसी बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें जान लेना है पूरा टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले दिया है इन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट, रिसिप्ट्स पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पेमेंट्स पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये क्या दर्शाता है और इसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लास्ट ईयर का कैश बैलेंस था, लास्ट ईयर की जो अमाउंट थी वो करंट ईयर में अपनी ओपनिंग बैलेंस है, मतलब लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस, किसका, कैश का। किसका बैलेंस है ये, कैश का बैलेंस है। तो इसका इफेक्ट तो हो चुका है पहले ही, जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमने इफेक्ट दिया था वहां पे, वहीं पे उसका इफेक्ट हो गया है। यहाँ पे हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लिखा है, तो इसका इफेक्ट भी हो गया है। इसको कहीं पे भी फाइनल अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तब इसको हमें कहीं पे भी नोट डाउन नहीं करना, लेकिन लेकिन जब हमें ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया जाता तब हमें इसको लेना जरूरी है।
कब, जब ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया जाता तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है। जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में इस 3000 को लिखना पड़ता है, जो कि हमें एक्चुअल कैपिटल फंड कैलकुलेट करने में मदद करता है। अगला पॉइंट है टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देने के दो तरीके, एक तो सब्सक्रिप्शन की होल अमाउंट आउटर कॉलम में देते हैं और बाकी के जो एडजस्टमेंट है वो नीचे दे देते हैं, और दूसरा जो तरीका है इनका, ये ईयर बाय ईयर देते हैं, मतलब बायफर्गेट करके देते हैं। अगर बायफर्गेट करके देते हैं तो हमें जो एडजस्टमेंट लेनी है वो सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए, इतने दो ही एडजस्टमेंट हमें लेने पड़ते हैं। ओके, बाकी के एडजस्टमेंट हमें लेने की जरूरत नहीं, कब, जब बाय फॉरगेट करके दिया जाता है। लेकिन जब इस तरीके से सब्सक्रिप्शन दिया जाता है तो हमें पूरी एडजस्टमेंट्स इसके ऊपर करनी जरूरी है। अगला जो पार्ट है वो डोनेशन। डोनेशन के भी दो पार्ट हो जाते हैं, दो टाइप से, जो कि मैंने वीडियो लेक्चर में, पहले वीडियो लेक्चर में बोला था, थ्योरी के वीडियो लेक्चर में, कि टू डोनेशंस, रेवेन्यू रेवेन्यू और जनरल, मतलब जनरल मतलब जो स्पेसिफाइड डोनेशन होता है, स्पेसिफाइड डोनेशन मतलब स्पेशल फंड, और जो स्पेसिफाइड डोनेशन है वो स्पेशल पर्पज के लिए दिया जाता है, तो वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वहां पे हमें वो लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। तो ये डोनेशन रेवेन्यू बोला है, मतलब इसका रिकरिंग इन नेचर है, इसी वजह से इस डोनेशन को हमें इनकम साइड में ट्रांसफर करना है। ओके, अगला है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब जब कोई नया मेंबर आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में एंट्रेंस करना चाहता है, एंट्री लेना चाहता है, तब उसको जो फीस चार्ज करते हो आप, उसके लिए कहते हैं हम एंट्रेंस फीस। तो ये एंट्री, जो भी आने वाला मेंबर है उसके लिए एंट्री लगने वाली है, मतलब रेवेन्यू इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वही अपना इनकम है। जो, फिर से एक बात दोहराऊं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वही अपना इनकम है। ओके, आगे है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये भी अपना इनकम बन गया, मतलब इनकम साइड में ट्रांसफर होने वाला आइटम है ये। तो इंटरेस्ट 1000, ये कहां पे जाएगा, इनकम में, मतलब इसमें से पहला आइटम छोड़ के जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है इसको कभी भी कौन से भी प्रॉब्लम में ट्रांसफर नहीं करना, एक्सेप्ट ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय, तभी हमें उसको ट्रांसफर करना है, बाकी के टाइम पे हमें ट्रांसफर नहीं करना। ओके, तो ये 3000 का तो छोड़ दिया, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में जाएगा, डोनेशन इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और भी कुछ अगर आइटम्स दिए रहते, कैपिटल रिसिप्ट रहती तो वो लाइबिलिटी में जाती, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसमें ज्यादा आइटम्स दिए नहीं। अगर और आइटम्स हो जाते इसमें और उसमें कुछ कैपिटल रिसिप्ट हो जाती तो हमें कैपिटल रिसिप्ट्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड को ट्रांसफर करनी पड़ती। मतलब क्या, आप अगर इसको गौर से देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट या तो इनकम साइड ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं तो लाइबिलिटी साइड जाएगी, ये दो ही जगह पे जाएगी, या तो इनकम साइड नहीं तो रिसिप्ट साइड में जाएगी, सॉरी लाइबिलिटी साइड में जाएगी। अब आते हैं पेमेंट साइड में। ओके, पेमेंट दो तरीके के लिए किया जाता है, एक अभी के बेनिफिट के लिए, एक अभी बेनिफिट तो लेते हैं लेकिन उसी तरीके से बेनिफिट हम फ्यूचर तक चला लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है हमने, जो कि रिसिप्ट, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट में हमने देख लिया था। तो सैलरी, सैलरी इज अ रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर साइड। बाय कमीशन, अभी देखिए बहुत सारे बच्चे इस कमीशन को लेके परेशान हो जाते हैं। कमीशन, बच्चों को क्या आदत हो जाती है, कमीशन दिखा नहीं वो इनकम साइड में लिख देते हैं, कमीशन मिला है सोचते हैं। दो तरीके के कमीशन है, एक कमीशन मिलता है, दूसरा कमीशन देना पड़ता है। ओके, तो ये कौन सा वाला कमीशन है, तो कमीशन देने वाला है, ये आने वाला नहीं है, ये जाने वाला कमीशन है अपना। तो जो जाने वाला कमीशन है वो अपना एक्सपेंडिचर है, जो जाने वाला कमीशन है वो अपना क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो कैसे पहचान सकते हो आप, सीधा सीधा देख लीजिए, यहाँ पे पेमेंट में दिया है तो कमीशन अपना एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये भी कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में, बाय रेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके,
बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस ये हर महीने में आ जाता है, तो ये भी एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। बाय फर्नीचर, अभी ये फर्नीचर आ गया बीच में, ओके फर्नीचर। आप एक बार फर्नीचर परचेस कर लेते हो तो उसका यूज ईयर ओवर एन ईयर तक मिलते रहता है, मतलब साल बदर साल आपको इसका बेनिफिट मिलते रहता है। तो ये जो है ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट रिसीव देता है, आपको जो बेनिफिट मिलता है इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गए आपकी एसेट। ये जो ऊपर के हैं अप टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तक, ये पूरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जो बाकी का नीचे का पार्ट है फर्नीचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसको हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसीलिए बैलेंस शीट एसेट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो लास्ट पार्ट दिया है इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो दिया है हमें बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या है? बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो है। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हम सबसे आखिर में क्या बोल के लिखते हैं? बाय कैश इन हैंड, इस तरीके से हमें लिखना पड़ता है बैलेंस शीट में। तो ये भी जाएगा बैलेंस शीट एसेट में। देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में, तो अगले साल इसका इफेक्ट नहीं होगा कहीं पे भी। उसी तरीके से इसका लास्ट ईयर में इफेक्ट हो गया था, इसी वजह से करंट ईयर में हमने इफेक्ट किया नहीं। ओके आई बात समझ में? तो इसको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बिठा लो। ओके चलते हैं अभी अगले पार्ट के ऊपर। आगे क्या दिया है हमें? एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट क्या क्या है देख लेते हैं, और किस तरीके से इसका इफेक्ट करना पड़ेगा वो भी हम प्रॉब्लम में देख लेंगे। ओके तो सबसे पहले एडजस्टमेंट रिमाइंड कर लेना है और नोट डाउन करके रखना है। प्रॉब्लम प्लस एडजस्टमेंट जब भी मैं सॉल्व करता जाऊंगा तब आप एक एक पार्ट आपको उसको देखना है। और अभी क्या करना है हमें, जो भी एडजस्टमेंट पढ़ने वाला हो उस एडजस्टमेंट का रिलेशन अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से कौन से आइटम के साथ आ जाता है तो उसके ऊपर हमें स्टार करना है। क्या करना है? अभी एक भी एडजस्टमेंट का सब एडजस्टमेंट पढ़ लेना है जिस एडजस्टमेंट का रिलेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम से होगा वहां पे हमें स्टार करना है। स्टार करके क्या करना है हमें, उस स्टार किए वाले अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है। आइटम की जो अमाउंट होने वाली स्टार किए वाले उसको इनर कॉलम में लिखना है और उसके ऊपर प्लस माइनस करना पड़ता है। अभी एक स्टार हो गया, जितने भी स्टार बनते उतने स्टार बनाओ। एक बार बोला गया एक स्टार, दूसरी बार आ गया दो स्टार। ओके और एक स्टार के लिए दो लाइन छोड़ो, अच्छे कैलकुलेशन के लिए और अच्छा पेपर सेटअप के लिए दो लाइन छोड़ते चलो। ओके तो चलते हैं। पहले एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज रुपीज 200। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है अपना 200 है। ओके तो ये 200 रेंट है, तो देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है क्या इसका। चलो डेबिट साइड में तो नहीं है, क्रेडिट में। ये देखिए फोर्थ प्लेस पे है बाय रेंट, तो इस पे ऊपर एक स्टार कर दीजिए। और इसको जब हम पोस्टिंग करेंगे तब इनर कॉलम में लिखेंगे ना कि आउटर। कौन से कॉलम में लिखेंगे? इनर, आउटर के कॉलम में नहीं। ओके तो चलिए इसके ऊपर स्टार करके रख दीजिए। अभी देखिए इसमें तो ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, करंट ईयर से रिलेटेड है, हालांकि हमने पेड नेक्स्ट ईयर में करने वाले हैं उसको, लेकिन वो रिलेशन कौन से पर्टेन कौन से ईयर से करता है? करंट ईयर से करता है, मतलब आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए, वो लायबिलिटी बन गई। एक रेंट में ऐड करना, दूसरा लायबिलिटी में भेज देना। दूसरा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स रुपीज 1000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। जो सब्सक्रिप्शन था 5000 रुपीज मिलने वाला हमें, उसमें 1000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए 1920 के लिए मिला है उसमें से 1000। ओके मतलब 4000 जो बच गया वो करंट ईयर का होगा, वो भी देख लेते हैं करंट ईयर का कितना है। 4000 करंट ईयर की कैश मिल गए, तो इसमें से 1000 सब्सक्रिप्शन अगले साल का है, रिसीव करंट ईयर में होने हुआ है, लेकिन अर्न मतलब जब हमें उसे रिसीव करने का राइट क्रिएट होता है तब हम उसे अर्न कर पाते हैं। मान लो वो रिसीवेबल है या रिसीव्ड है उसका कुछ लेना देना नहीं होता। ओके तो सबसे पहले देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन 5000, 1000 फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब करंट ईयर का कितना मिला हमें? 4000 रुपए मिला। ओके तो 1000 रुपए क्या किया हमने? सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर दिए, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक स्टार कर दीजिए। ओके एडवांस सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इसमें से 5000 में से 1000 माइनस किए। एडवांस है अगले साल का है, करंट साल का नहीं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम एंड सेकंड इफेक्ट ट्रांसफर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके
यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी चलते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर एक स्टार कर दिया, चलो नेक्स्ट। उसी में का 50% पार्ट देख लिया एडजस्टमेंट का, अभी अगला 50% एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ₹500। और जो चालू साल है, मतलब जो चालू का है ईयर, इस करंट ईयर के लिए हमें कितना मिला है, उसमें से कितना बाकी रह गया है अपना 500, मतलब 4000 मिले, 500 बाकी। ये 500 भी करंट ईयर के है, तो 4500 करंट ईयर के हो गए आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट इफेक्ट एड इन रिस्पेक्टिव इनकम। रिस्पेक्टिव इनकम क्या है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा, फिर से एक बार सब्सक्रिप्शन के ऊपर स्टार कर दो। ओके, पहले का एक स्टार बन गया इसके ऊपर, अभी दूसरा स्टार, कितना स्टार बन गया इसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर, 2 स्टार बन गए। ओके, मेरे साथ में चलना है आपको, मेरे साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एकदम आसान तरीके से मैंने बता दिया है आपको, सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ पूरा ध्यान लगा के यहाँ पे प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। ओके, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर हो गए 2 टॉपिक 2 स्टार हो गए। चलते हैं नेक्स्ट, डिप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। जो फर्नीचर है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, 8% पर एनम, साल के लिए 8%। अभी देखिए यहाँ पे फर्नीचर देखोगे आप, यहाँ पे तो डेट दी नहीं, एक तो यहाँ पे डेट देंगे, नहीं तो यहाँ पे डेट देंगे, डेट तो दी नहीं। अगर इस पार्ट में डेट नहीं देते तो डिप्रिसिएशन 1 साल का लेना है। क्या बोला मैंने, अगर डिप्रिसिएशन के लिए रेट नहीं देते तो 1 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो तो ड्रॉइंग है जो 6 महीने के लिए चार्ज करनी है, वो तो ड्रॉइंग है, ये ड्रॉइंग नहीं है, वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जाता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट नहीं है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है। यहाँ पे 6 मंथ नहीं लेना, बहुत सारे बच्चे 6% को 6 मंथ कर देते। ओके, जो कि ड्रॉइंग का डेट अगर मालूम नहीं होता तो हमें, सॉरी, वो कैपिटल लोन नहीं है, पार्टनर्स लोन के ऊपर हम 6% लेते, और ड्रॉइंग के ऊपर का क्या करते बच्चे, 6 महीना पीरियड लेते। ड्रॉइंग थोड़ी है 6 महीने पीरियड के लिए, ये तो डिप्रिसिएशन करना है, जो डेट दिए उस डेट से 31 मार्च, आने वाली 31 मार्च तक का डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। अगर डेट दी ही नहीं तो 1 साल का डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। ओके, तो डेट दी नहीं तो 1 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो स्टार करो फर्नीचर के ऊपर। आगे 50% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड करना मतलब क्या, डिप्रिसिएशन का तो आपको मालूम है, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट एंड सेकंड इफेक्ट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज द एक्सपेंडिचर साइड। अगली फोर्थ एडजस्टमेंट है 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। 50% जो कैपिटल एंट्रेंस फीस है उसमें से 50% एंट्रेंस फीस हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल में एड करनी है। जो कि कैपिटल एंट्रेंस फीस मिली थी 4000, मतलब ये रेवेन्यू है, उसमें से कैपिटल के लिए कितनी भेजनी है, 2000, मतलब रेवेन्यू के लिए कितनी बच जाएगी, 2000, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या एंट्रेंस फीस कितनी बचेगी, सिर्फ ₹2000 बच जाएगी। और कैपिटल फंड में हमें ऐड कितना करना पड़ेगा, ₹2000, तो इसके ऊपर एक स्टार कर दीजिए। ओके, कैपिटल के ऊपर तो ऑलरेडी रहते हैं, जब तक उसके पूरे एडजस्टमेंट नहीं होते तब तक उसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना, 4 से 5 लाइन इसके लिए छोड़ दीजिए। ओके, आगे है कैपिटल फंड वाज ₹3000 और सबसे आखिरी एडजस्टमेंट क्या दी है, कैपिटल फंड अपना ₹3000 है। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने हमें दे दिया है, इसी वजह से, और ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लाइबिलिटी तो हमें दी ही नहीं, तो इसी वजह से इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपनिंग का जरूरी नहीं है और बनाना जरूरी भी नहीं क्योंकि कैपिटल फंड तो हमारे पास है, तो कैलकुलेट क्यों करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर ही करते हैं हम कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए। कौन सा कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए ही हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, दिमाग में रख लीजिए ये बात। ओके, तो चलिए डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए एकदम आसान तरीके से, सरल तरीके से मैंने ये प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन किया है, आप अभी प्रॉब्लम फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, जो फॉर्मेट में बोलता हूँ, जिस पार्ट में बोलता हूँ उस पार्ट में आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो आइए फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहला हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके ऊपर सबसे पहले नाम देना जरूरी है क्योंकि नाम दिया नहीं, तो इसमें लिखना जरूरी है इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, जिसके किसके बुक्स बनाने हैं हमें, उसका नाम लिखना इन द बुक्स ऑफ डैश डैश। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
For the year ended 31st March 2019, left hand side is a debit and right hand side is a credit. ये आपने बचपन में पढ़ा था. बचपन कब था अपना? 11th में. ओके, कॉमर्स का बचपन 11वीं से चालू होता है अपना. ओके, तो इसमें है दो साइड्स. फर्स्ट है एक्सपेंडिचर, दूसरी है इनकम. देखिए नाम किस तरीके से दिया गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, कुछ पागल बच्चे भी होते, सब होशियार थोड़ी रहते आपके जैसे. कुछ पागल बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि हमारे जैसे बच्चे नए नए जब सीखते हैं तब क्या करते हैं, ये एक्सपेंडिचर को इनकम लिख देते हैं और इनकम को एक्सपेंडिचर लिख देते हैं. सीधी सी बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इट इज अ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज अ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो नॉमिनल अकाउंट थ्रू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. नाम हालांकि इसको दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन हमें लिखते समय पहले एक्सपेंडिचर लिखना है फिर बाद में इनकम लिखना है. वो तो बीच के दो कॉलम आपको मालूम है, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज. ओके, तो ये फॉर्मेट बना लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का. आगे बना लीजिए बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. ओके, तो अब करते पोस्टिंग के लिए शुरुआत. ऊपर की इंफॉर्मेशन तो हमने यूज कर ली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. और इसके साथ में अभी हम चालू करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से. तो आप अगर आपके प्रॉब्लम में देख लोगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सबसे पहला आइटम दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000. इस बैलेंस को कहीं पे भी नहीं लिखना. ओके, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है, इसको भूल जाओ तुम. इसको कब याद में रखना है, जब हमें ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं होगा तब हमें इसकी सहायता लेनी है, अदरवाइज हमें इसकी कुछ भी सहायता नहीं लेनी. इसके ऊपर देखना भी नहीं, इसकी तरफ देखना भी नहीं है हमें. ओके, तो चलते अगला पार्ट क्या था, सब्सक्रिप्शन. तो ये आ गया अपना सब्सक्रिप्शन. ओके, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन. जो ब्लिंक हो रहा है मेरे पीछे पार्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा बाय सब्सक्रिप्शन. और अगर आप इसके अमाउंट देखोगे तो इनर कॉलम में लिखी है मैंने, आउटर कॉलम में नहीं. ठीक इसी तरीके से आप लिख लीजिए. ओके, लिख ली. चलो जो एडजस्टमेंट बाद में इनर कॉलम में लिखना है. अगर नेक्स्ट पार्ट आ गया, पहले हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रांसफर कर लेना है. दूसरा आइटम क्या दिया था हमें, डोनेशन रेवेन्यू बोला है. इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी, इस वजह से हमने डायरेक्टली आउटर साइड को हमने इसको पोस्टपोन किया है. ओके, तो ये हो गया आपने, लिख लीजिए डोनेशन. देखिए वहां पे जो टू है रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो टू है, यहां पे बाय में जा रहा है, याद रखिएगा ये बात को. ओके, चलिए आगे क्या दिया था हमें, एंट्रांस फीस. लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कुछ बोला था, 50% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. 50% हमें कैपिटलाइज में भेज देना है, याद रखिए इस बात को भी. हाँ, ओके, तो चलिए लिख लिए आपने एंट्रेंस फीस. आप छोड़ दीजिए जगह यहाँ पे, मैंने छोड़ी नहीं, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं एक्सेल में बना रहा हूँ, इस वजह से मुझे ये मैनेज हो जाता है. मैं कहीं से भी इसको मैनेज करता हूँ, जगह मुझे आ जाती है. आगे आपको नोटबुक में नहीं जगह मिलेगी आगे, तो पहले से इसको 4 लाइन छोड़ दीजिए, इसको 2 लाइन छोड़ दीजिए. ओके, तो चलिए आगे दिया था इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये जाएगा डायरेक्टली आउटर को. अगर आपको स्टार्टिंग में सॉल्व करने में डर लगता है तो पहले पूरा पार्ट देख लीजिए, फिर बाद में सॉल्व करते बैठे रिवर्स लेके वीडियो को. ओके, तो ये आ गया इंटरेस्ट भी, हो गया. आगे इनकम साइड तो हो गई, मतलब जो रिसिप्ट साइड थी वो पूरी की पूरी इनकम साइड को आ गई, सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन छोड़ के. अभी जाते हैं हम पेमेंट साइड को. पेमेंट साइड कहाँ जाएगी, देखिए एक कहीं पे भी रिसिप्ट साइड हमारे एक्सपेंडिचर में दिख रही है नहीं, अभी बैलेंस शीट में तो गई है नहीं. बैलेंस शीट में जाते तो हम लाइबिलिटी साइड में जाते, एसेट को नहीं जाते थे. अभी आते हैं पेमेंट साइड में. पेमेंट साइड कहां पे जाएगी, या तो एक्सपेंडिचर नहीं तो एसेट्स. तो पेमेंट साइड का सबसे पहला आइटम था सैलरी, तो यह आ गया सैलरी 4000 आउटर कॉलम में. इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, राइट, समझ में आ रहे ठीक तरह से. ओके, अच्छे तरीके से लिख लीजिए. नेक्स्ट आइटम हमें दिया था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंडिचर है और इसके ऊपर भी कुछ कौन सी भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी आउटर में लिख लीजिए. नेक्स्ट हमें दिया था कमीशन, जो कि मैंने बोला था पेड है, तो ये अपना एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर भी कौन सी भी एडजस्टमेंट नहीं है. जो ब्लिंक हो रहा है
इसको भी लिख लीजिए। अगला पार्ट दिया था रेंट, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट थी जो कि फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज रुपीज 200, इसके लिए टू लाइंस छोड़ देने, अभी नहीं करनी, जब वो एडजस्टमेंट देखेंगे तब करेंगे, तो पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट को ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, अगला था आइटम बाय इलेक्ट्रिक, उधर बाय था यहाँ पे टू आ गया, मैंने क्या बोला था पहले उधर का टू यहाँ पे बाय बन गया और उधर का बाय यहाँ पे टू बन गया, बाय सैलरी था यहाँ पे टू सैलरी आ गया। ओके, देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1500। अगला, अभी ये हो गए पूरे पार्ट, अभी आगे जो दिया था हमें वो फर्नीचर दिया था, फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे जाता है, बैलेंस शीट एसेट साइड, कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो सबसे पहला आइटम लिख लेते फर्नीचर, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें, इसी वजह से डायरेक्टली इनर कॉलम, आउटर कॉलम को ना लिखते हुए हमने इनर कॉलम को ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो चलो फर्नीचर हो गया, उसके बाद में बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैश इन हैंड। अभी ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसी वजह से बाय बैलेंस कैरिड डाउन और एक ही अमाउंट दी, आगे क्या करने वाले हो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश अलग बैलेंस देंगे, बैंक अलग बैलेंस देंगे, दोनों का लिख के देंगे, तो हमें दोनों बैलेंसेस यही लिखने हैं। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे बैलेंसेस हो जाते हैं। ओके चलो, आगे दिया है कैश इन हैंड 1000, इसके ऊपर कौन सी भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसी वजह से डायरेक्टली हमें आउटर के ट्रांसफर करना है, आउटर कॉलम को ट्रांसफर कर दीजिए। अभी ये हो गया अपना पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या हो गया अपना पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमने पूरी तरीके से ट्रांसफर कर लिया। अभी आते एडजस्टमेंट के ऊपर, सबसे पहली एडजस्टमेंट थी, क्या एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज रुपीज 200, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ये देखिए रेंट यहाँ पे, तो ये आ जाएगी रेंट में 2200 की एडजस्टमेंट। ओके, इनर में 200 ऐड हो गए, आउटर में टोटल करके लिख ली 2200। देखिए बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम क्या होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में टैली नहीं हो पाते, माइनर मिस्टेक हो जाती, कितनी माइनर, बहुत माइनर हो जाती, कौन सी मिस्टेक कर देते बच्चे, ये जो 200 यहाँ पे तो लिख देते हैं, लेकिन बहुत से बार इनको इतनी जल्दी होती है, कहाँ जाना होता है वो हमें भी नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता होता, लेकिन जल्दी इतना करते हैं कि ये 2200 की टोटल आउटर को लिखना भूल जाते, और जब आपका दिमाग कैलकुलेशन में लगता है तो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशन पे रहता है, कौन सी अमाउंट आउटर को लिखी हुई इसके ऊपर नहीं रहता। तो सबसे पहले जब भी आप कैलकुलेशन के लिए तैयारी रखोगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि पूरे अमाउंट आपने आउटर कॉलम में ट्रांसफर किए हैं या नहीं, अगर कुछ रह गए होगी तो ट्रांसफर कर लीजिए, फिर बाद में टोटलिंग कर लीजिए। और टोटलिंग भी दो तरीके से करना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्रेडिट की टोटल करते हैं 5 + 1 = 6, उसी तरीके से 1 + 5 कितने होते हैं ये भी देख लीजिए, 6 ही होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ समय आपके दिमाग में बैठ जाता है कि 5 + 2 = 8, 5 + 2 = 8, 5 + 2 = 8, तो आपको गलती से कितनी बार भी टोटल करो 5 + 2 = 8 ही दिखाई देते। तो कुछ समय में ऐसा होता है कि आपकी जो गलती से आने वाली अमाउंट है वो सुधर जाती है, कैसे, 2 + 5 = 7, 2 + 5 = 7, तो इस तरीके से आपकी अमाउंट सुधर जाएगी। ओके, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग का रेंट लाइबिलिटी है, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, लिख लिया, दोनों इफेक्ट देने हैं एक साथ, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 1000 एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए करंट ईयर में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था, तो इस सब्सक्रिप्शन में से तो माइनस करना पड़ेगा, तो ले कर लिए माइनस हमने। ओके, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्यों, अगले साल का है करंट ईयर का नहीं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पहले ही मिल गया हमें, जो कि हालांकि मिलने वाला नहीं था, आउटस्टैंडिंग थोड़ी है, पहले ही मिल गया जो अगले साल का है, तो इसको कैरी करने के लिए हमें लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करना पड़ता है। ओके, तो ये सब्सक्रिप्शन का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगले एडजस्टमेंट थी 500 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, 500 रुपए करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, हमने लिख के लिया है ना प्रॉब्लम, उसको देखते देखते सॉल्व करना है, तो 500 रुपए जो बाकी थे उसका इफेक्ट कैसा देना है हमें,
तो 500 रुपये करंट ईयर का है, तो करंट ईयर की इनकम में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है, लेकिन अर्न कब हुआ है? करंट ईयर में। तो कौन सी इनकम में ऐड करना पड़ेगा? करंट ईयर की इनकम में ऐड करना पड़ेगा। तो ये कर लिया आउटस्टैंडिंग ऐड, और आउटर को टोटल लिख लिया। मैंने बोला था ना अभी टोटल, अगर पूरे एडजस्टमेंट दो स्टार थे तो दो एडजस्टमेंट हो गई, तो डायरेक्टली आउटर को हमने लिख दिया 4,500। इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट है, आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, मतलब जैसे कि डेटर आउटस्टैंडिंग इनकम का ही पार्ट है, सेल किया है लेकिन अमाउंट मिली नहीं, सिमिलर टू, लेकिन उसको लिस्ट रहती है अपने पास, आउटस्टैंडिंग इनकम कितना है 500, कुल मिला के कितना हो गया 4,500। ओके, क्योंकि 1,000 माइनस किया, 5,000 माइनस 1,000, 4,000 प्लस 500, 4,500। अभी इसका 1,000 का तो दो इफेक्ट हो गया, अभी 500 का एक इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, दैट इज द करंट ईयर। करंट ईयर नहीं लिखना हमें यहाँ पे, करंट ईयर, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं लिखना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर वाइज देते चलिए। अब ये फॉर 2018-19, 17-18 का होता तो इसके ऊपर आता, 17-18 का इतना, 18-19 का इतना, 19-20 का इतना, जो कितने भी पिछले साल के रहे, 19-20 का नहीं आता, 17-16, 16-18, 17-18, 18-19, तो इस तीनों की टोटल इनर कॉलम के लिख के बाद में आउटर में पोस्टिंग करनी पड़ती। तो ये हो गया एडजस्टमेंट। अगली एडजस्टमेंट थी चार डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 8% पर एनम। तो ये है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के ऊपर 8%, इट इज 8 × 8 = 64, सो 640 इज द डिप्रिसिएशन अमाउंट। इफ यू डिडक्ट दिस 640 फ्रॉम 8,000, देन यू गेट 7,360। सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशंस। डिप्रिसिएशंस का फर्स्ट इफेक्ट है डिप्रिसिएशन एट द रेट 8%। ओके, वर्किंग नोट द्यायची गरज असेल तर तुम्ही याची वर्किंग नोट पण देत चला, जेणे आउट ऑफ मार्किंगची शक्यता वाढते तुमची। हा झाला पहिला इफेक्ट। मी तुम्हाला आताच काय सांगितलं, प्रत्येक ऍडजस्टमेंटचे दोन इफेक्ट होणार, एक्सेप्ट काही असतात टॉपिक असे ज्याचे तीन किंवा चार होतात, काहीचे एक होतात, जसं की कॅपिटल फंड आपल्याला याच्यात आहे, डिप्रिसिएशनचा एक इफेक्ट झाला। दुसरा इफेक्ट पुढे जाणार एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंडिचर, विच एक्सपेंडिचर, नॉन कॅश एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कॅश एक्सपेंडिचर। ओके, सो ट्रान्सफर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइट टू डिप्रिसिएशन 640। ओके, समझ में आ रहा है ना ठीक तरीके से आपको यहां तक? ओके, ध्यान देके पढ़िए पूरा टॉपिक और नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ। अगली एडजस्टमेंट क्या थी? ओके, 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो जो एंट्रेंस फीस है ये कैपिटलाइज कर दी। 4,000 के 50% कितना बन जाता है? 2,000। अभी 4,000 में से 2,000 हमें कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है, तो आउटर में कितने जाएंगे? 2,000। ओके, यहाँ पे बचे 2,000। तो आते हैं यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड करने, हमें कितने ऐड करने? 2,000। कैपिटल फंड की जब अमाउंट आएगी तब यहाँ पे लिखते हैं ना, पहले ही नहीं लिखने हमें अमाउंट। ओके, प्लस एंट्रेंस फीस 2,000 का, उसके बाद में कैपिटल फंड क्या एडजस्टमेंट दी थी 3,000। ओके, अभी पूरे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, अभी हमें क्या करना है? कास्टिंग, टोटलिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो देखते हैं डेबिट की टोटल ज्यादा है या क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। पहले डेबिट की करते हैं, 4,000 प्लस 1,000 5,000, प्लस 500 5,500, प्लस 2,000 7,500, प्लस 200 7,700, प्लस 1,000 8,700, प्लस 500 9,200, प्लस 640 9,840 टोटल हो गए। अभी आते क्रेडिट में, 4,500 प्लस 5,000 9,500 प्लस 2,000 11,500 प्लस 1,000 12,500, मतलब 12,500 क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर। तो ये 12,500 अमाउंट हमने लिख दी यहाँ पे, इसी अमाउंट को हमें लिखना है डेबिट साइड में भी। ओके, तो बाद में ये जो 9,840 है इसमें से माइनस करने के बाद जितनी भी अमाउंट आएगी वो हमें सरप्लस में लिखना पड़ेगा। इनकम एक्सेस ओवर है, इनकम ज्यादा है तो ये सरप्लस हो गया, तो ये कितने आ गए? 2,660 अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी।
अभी इस अमाउंट को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें, इस अमाउंट को हमें कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। ओके तो जाते हैं कैपिटल फंड की तरफ, ये कर दिया हमने कैपिटल फंड में ऐड। कैपिटल फंड में ऐड करने के बाद अभी इस दोनों की टोटल कितने, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7,660 रुपए टोटल हो गई। तो ये 7,660 रुपए को हमने आउटर में लिख दिया। अभी इसकी कुल मिला के टोटल करनी है, तो कुल मिला के टोटल एसेट क्या आ गए, 8,660, इसकी भी आ गई 8,660। यहाँ पे हो गया अपना प्रॉब्लम टैली। अगर आपको इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो और सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। ओके तो आप क्या कीजिए, चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको एक गोली की तरह तेज होना चाहिए। ओके जहां पे भी जाए छेद करके आ जाए, जिस भी एग्जाम में जाए टॉप बन के आ जाइए। ओके शूट योर अकाउंट प्रॉब्लम्स विद एसएनजी, जो भी अकाउंट के प्रॉब्लम है उसको सीधा शूट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हम और भी नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपको यही इसी तरीके से वीडियो लेक्चर लाएंगे, नहीं तो और लैंग्वेज में, जो कि अपनी लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज है, जो भी बच्चे रियल में पढ़े अपनी जो लैंग्वेज होती है वो अलग तरीके की लैंग्वेज हो जाती है। ओके तब तक के लिए टाटा बाय बाय।